हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही क्रिस्पी से लच्छा पराठा की रेसिपी। यहाँ मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। अगर आप चाहें तो 1/2 कप गेहूं का आटा और 1/2 कप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ मैदे की हेल्प से भी आप इसे बना सकते हैं। यहाँ मैंने पानी की हेल्प से इसका बहुत ही सॉफ्ट सा डो बना लिया है कुछ इस तरह से। इसके बाद मैंने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं और अब मैं इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके इसे बेलन की हेल्प से बेलने वाली हूँ और हम इसे कुछ इस तरह से बेल लेंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया है जिसे मैं पूरे सरफेस पर अच्छे से फैला लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाली है लाल मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, हरा धनिया का पत्ता और यहाँ पे मैंने नमक भी डाला था जिसका क्लिप मुझसे गलती से डिलीट हो गया था। और इसके बाद मैं एक चाकू की मदद से इसके बहुत पतले पतले से लच्छे बना लूँगी। और यहाँ मैंने सारी लेयर्स को एक साथ करके मैंने इन्हें फोल्ड कर दिया है और इन्हें एक टिक्की का आकार दे दिया है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बहुत अच्छे से रोल कर लिया है और अब मैं इसमें सूखा आटा डालकर इसे हल्के हाथों से बेल लूँगी। आप इसमें चाहें तो और भी अपने हिसाब से कुछ भी फिलिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने पैन पर डालकर इसे दोनों साइड से पका लिया है और अब मैं इसमें घी लगाकर इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लूँगी। और फिर मैंने इसे पलटकर दूसरी तरफ भी घी लगाया है और एक स्पैचुला की मदद से मैंने इसे दोनों तरफ से बहुत अच्छे से कुक किया है। दूसरे टाइप से लच्छा पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रोटी को अच्छे से बेल लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच घी, थोड़ा सा नमक और मैंने इसे पूरी रोटी पर अच्छे से फैला लिया है। और यहाँ पर फिर मैंने डाला है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और उसके बाद मैं यहाँ पर लहसुन भी डाल रही हूँ। मैंने थोड़े से हरे धनिए के पत्ते भी डाले हैं और यहाँ पर मैं 1 इंच चौड़ी पट्टी काटकर इन्हें एक साथ मैं रोल करूँगी। आप आगे वीडियो में देखेंगे कि मैं इसे किस तरह से रोल कर रही हूँ। और अब हमें इसकी एक एक पट्टी को एक के ऊपर एक रखकर कुछ इस तरह से रोल कर लेनी है। पहले वाले लच्छे पराठे के मुकाबले ये पराठा काफ़ी जल्दी बन जाता है। फिर मैंने इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा हरा धनिया रखा है। उसके बाद मैंने सूखा आटा डालकर इसे हल्के हाथों से बेल लिया है और अब मैं इसे तवे पर डालकर पकाने वाली हूँ। और फिर एक तरफ पक जाने पर हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा घी और फ्लिप करके अब हम इसमें लगाएंगे दूसरी तरफ भी घी और हमें इसे स्पैचुला की मदद से दबा दबा के अच्छे से सेक लेना है। घी से बने हुए पराठे वैसे ही स्वाद में काफ़ी अच्छे होते हैं, ये क्रिस्पी भी बनते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। हमें इसे अच्छे से कुक करना है दोनों साइड। आप इसका कलर देख सकते हैं कि ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है। उसके बाद मैं आपको दोनों पराठे दिखाने वाली हूँ इनकी लेयर्स खोल के कि ये कितने अच्छे बने हुए, और इनकी एक एक लेयर मैं आपको खोल कर दिखाऊँगी। आप यहाँ पर इन दोनों ही पराठों की लेयर्स देखेंगे कि कितनी अच्छे से अलग अलग होकर आ रही हैं। आपको मेरे वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।